इसकी डेट जो है वो बिल्कुल फिक्स है, आप उसको बाइबल के आधार पर आप उसको बदल नहीं सकते हैं। किसी की भी मृत्यु की या किसी के भी जन्म की डेट जो है वो फिक्स होती है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम आज बात करेंगे लेंट्स डे के बारे में। जी हाँ, दुख भोग के दिन या 40 रोजों के विषय में हम बातचीत करेंगे। ये 40 रोजे या दुख भोग के दिन या लेंट्स डे जो आप कहते हैं या लोग जो मानते हैं, उनको जो है पहले उनके भागों को देखें। ये 4 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि हर एक भाग को जब तक आप अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक आप लेंट्स डे को यानी दुख भोग को या 40 रोजों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। पहला जो भाग है वो है ऐश वेडनेसडे, दूसरा है पाम संडे, तीसरा है गुड फ्राइडे और चौथा है ईस्टर। जी हाँ, ये 4 भाग जो हैं ये लेंट्स डे के अंतर्गत आते हैं और जो लोग मानते हैं और जिसको अपने जीवन में पूरा करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये बात, ये चारों चीजें कितना परमेश्वर के वचन से सही है या नहीं है, या हम गलत तरीके से तो नहीं मान रहे हैं, और परमेश्वर के वचन में अगर है तो वो किस तरीके से, इन सब के विषय में जो है हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं पहला भाग यानी ऐश वेडनेसडे के बारे में। लेंट्स डे के अर्थात उपवास का जो रोजे यानी दुख भोग का जो आरंभ होता है वो ऐश वेडनेसडे से होता है। 40 रोजों का जो आरंभ होता है वो यहां से जो है ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐश वेडनेसडे यानी राख बुध या बुध राख, जो भी आप कहते हैं, समझ लीजिए कि ये है क्या। लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि ऐश वेडनेसडे क्यों है और वेडनेसडे से ही रोजे क्यों शुरू होते हैं, ये क्रिया कैसे रखी गई, इसको कैसे पूरा किया गया पुराने समय में, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि हाँ, ऐश वेडनेसडे वाले दिन से जो है लेंट्स डे या 40 रोजे या दुख भोग के दिन शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। बस इतना पता है, बात खत्म हो गई। ऐश वेडनेसडे हो, पाम संडे हो, गुड फ्राइडे या ईस्टर, जो भी है, ये सारी चीजें डेट पर आधारित हैं। जब तक आपको इसके डेट के बारे में पता नहीं चलेगा, आप जो है इन चीजों को जान नहीं सकते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे छुपी जो सच्चाई है वो क्या है। जी हां, तो यहां पर जो है पहले हमें क्या समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि ऐश वेडनेसडे, पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर की डेट जो है वो कैसे रखी जाती है। पहले इस चीज को समझें और फिर इस चीज को भी समझें कि इसका संबंध बाइबल से यानी परमेश्वर के वचन से है या नहीं है। ईस्टर की डेट, इन सब की डेट जो है, जो भी जैसे मान लीजिए ऐश वेडनेसडे है, पाम संडे है, गुड फ्राइडे है, इन सब की डेट जो है ईस्टर की डेट पर निर्भर करता है। ये ईस्टर की डेट पर ही निर्धारित की जाती है इन सब की डेट। तो ईस्टर की डेट जो है वो मायने रखती है, वो कैसे रखी जाती है इसके बारे में हमें जानना है या कैसे निकाली जाती है। जी हां, ईस्टर की डेट जो है कैसे निकालते हैं, ईस्टर की डेट के बारे में हम सीखते हैं। ईस्टर जो है चंद्रमा के चक्र पर आधारित एक परिवर्तनशील अर्थात गतिशील पर्व या त्यौहार है। यह एक नागरिक कैलेंडर के अनुसार नहीं चलता है। देखिए, परिवर्तनशील या गतिशील त्यौहार क्यों कहा गया है, यह इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी कोई भी डेट ईस्टर की फिक्स नहीं है। कभी मार्च की किसी डेट में आ जाता है तो कभी अप्रैल की किसी डेट में आ जाता है, तो इसलिए इसको परिवर्तनशील या गतिशील त्यौहार जो है वो कहा गया है। अब इसकी डेट निकालने का तरीका क्या है, नासिया की प्रथम सभा, ध्यान दीजिएगा, नासिया की प्रथम सभा जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा
325 एडी में बुलाई गई थी, जिसमें बहुत से विषयों के साथ साथ जो है ईस्टर की डेट का भी निर्णय लिया गया था, बहुत से विषयों का निर्णय लिया गया था और उसमें ईस्टर की डेट का भी निर्णय जो था वो लिया गया था। और वहां पर जो है ईस्टर की डेट निर्धारित की गई थी कि कैसे ईस्टर की डेट को हम आगे तक जो है मनाए और उसको रखी जा सकती है। जी हाँ, ये जो था पूर्णिमा, पास्का विषायक पूर्णिमा और बसंत विषु के बाद आने वाले रविवार के रूप में किया गया था। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको। विषु की तिथि 21 मार्च है, इसलिए ईस्टर की तिथि 22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच जो है वो बदलती रहती है। इसके साथ साथ एश्वेनसडे, पाम संडे और गुड फ्राइडे की तिथियों में भी परिवर्तन होता रहता है। 21 मार्च क्या, यानी 21 मार्च के बाद जो पूर्णिमा होती है, ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च के बाद जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा का जो पहला संडे होता है वो ईस्टर संडे होता है। ये डेट जो है नाइसिया की सभा में, जो प्रथम सभा 325 एडी में कॉन्स्टेंस राजा के द्वारा बुलाई गई थी, कॉन्स्टेंस राजा 313 में वो पहला रोमन सम्राट था जो मसीह बना था, जो जिसने अपने आप को मसीह घोषित करा था। परंतु मसीह होने का मतलब यह नहीं था कि वो मसीह की सभी सही शिक्षाओं का पालन करता था, परंतु परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों से वो बहुत दूर था, मगर वो अपने आप को मसीह कहता था कि मैं भी मसीह समाज से जुड़ गया हूं, मसीह हो गया हूं। और पहला जो था वो रोमन सम्राट था जो मसीह बना था। तो उसने ये, उसकी सभा में ये डेट निर्धारित की गई थी कि 21 मार्च के बाद जो पूर्णिमा होगी और उस पूर्णिमा का जो पहला संडे होगा वो ईस्टर संडे कहलाया जाएगा। और उसी के आधार पर जब ईस्टर की डेट निकल जाती है तो उसी के आधार पर एश वेडनेसडे, पाम संडे और गुड फ्राइडे की डेट निर्धारित की जाती है। ये डेट जो है इस तरीके से रखी जाती थी, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है ये डेट कहीं से कहीं तक नहीं मायने रखती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा ही नहीं है। चलिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन की जो डेट अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह जो पकड़वाया गया, यीशु मसीह ने जो अंतिम भोजन किया है वो कब किया, अखमीरी रोटी का जो पर्व था उसके पहले दिन जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया। और उसके बाद जो है वो जैतून पहाड़ पे गया भजन गाने, उसके बाद जो है वो गत्समनी बाग में रात भर प्रार्थना करता रहा और फिर मॉर्निंग सुबह में जो है वो पकड़वाया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूं। जी हाँ, जब आप लेव व्यवस्था 23 अध्याय उसका 4-8 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है फसा का पर्व और अखमीरी रोटी का जो पर्व मनाया जाता था वो अबीब महीने की 14वीं तारीख को फसा का पर्व गोधूली के समय में फसा का मेमना बलिदान किया जाता था। और अबीब के महीने में 15 तारीख से 21 तारीख तक, यानी 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक जो है वो अखमीरी रोटी का पर्व, यानी 7 दिन का जो पर्व होता था वो मनाया जाता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कह रहा है। इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि मैंने दिया था लेव व्यवस्था 23 अध्याय और 4-8 पद तक। अब लेव व्यवस्था 23 अध्याय 4-5 तक पढ़ेंगे तो वहां है कि पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय जो है फसा का मेमना बलिदान किया जाता था। जी हाँ, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। और ये जो डेट थी अबीब का महीना जो कहलाया जाता था, आज की डेट में अगर हम देखें तो वो अप्रैल का महीना कहलाया जाता था। यानी आप ये मान लीजिए कि 14 अप्रैल की शाम को जो है वो फसा का मेमना बलिदान किया गया था। अब आप इस बात को कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक सबसे पहले हम फसा का पर्व और अखमीरी रोटी के पर्व को समझने से पहले हम दिन को समझें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन का आरंभ जो है वो कब से होता है और कब खत्म होता है। एक शाम से लेकर
दूसरी शाम तक जो है वो दिन का आरंभ होता है, यानी एक शाम से लेकर पूरी रात और पूरा दिन, और उसके बाद जो शाम आती है ये पूरा एक दिन जो है, एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक पूरा एक दिन होता है। जब आप अबीब के महीने की बात करते हैं, अबीब का महीने का मतलब वर्ष का पहला महीना, वर्ष का पहला महीना जो आज अबीब का महीना कहलाया जाता है वो अप्रैल का महीना कहलाया जाता है, यानी फसा का पर्व जो मनाया जाता था कौन से अबीब महीने के 14वें दिन की शाम से, गोधूली के समय, गोधूली के समय मनाया जाता था। 14 तारीख की शाम का मतलब जब 13 तारीख की शाम खत्म होती है, तो वहां से जो होती है 13 तारीख की शाम जब खत्म होती है तो वहां से 14 तारीख की शाम आरंभ होती है, यानी 14वां दिन जो है वो शुरू होता है, और ये 14वां दिन जो है अगले दिन की शाम में जाकर ये खत्म होता है। ये इस तरीके से पूरा परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दिन होता है। आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं निर्गमन 12 अध्याय उसका 18वां पद और लय व्यवस्था 23 अध्याय उसका 32 पद। एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस त्यौहार को मनाना, या फसा का पर्व मनाना या अखमीरी रोटी का पर्व जो है 14 तारीख की शाम से लेकर और 21 तारीख की शाम तक जो है रहता है। 21 तारीख की शाम तक रहता है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 14 तारीख के शाम से। 14 तारीख की शाम का मतलब यानी 14 तारीख खत्म हुई, 15 तारीख की शाम शुरू हो गई। यहां जो परमेश्वर का वचन कहता है वहां पढ़िएगा कि 14वें दिन की शाम से है, वहां पर आया 14वें दिन की शाम से, यानी 14वां दिन की जो शाम होती है वहां से जो होता है अखमीरी रोटी का पर्व शुरू होता है, यानी 14वां दिन खत्म होता है और 15वां दिन शुरू होता है। तो वहां फसा का पर्व जो है इस तरीके से मनाया जाता है। अब प्रथम फसा जो मनाया गया था निर्गमन 12 21 से 28, निर्गमन 12 43 से 51 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो था प्रथम फसा जो है वो मनाया गया था, उसका मनाने का कारण क्या था कि परमेश्वर जो था इसलिए उसने मनाया ताकि इजरायली इस बात को याद रखें कि इस दिन परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। देखिए जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिएगा कि परमेश्वर ने फसा का पर्व क्यों दिया, वो इसलिए दिया कि उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, इजरायली इस बात को याद रखे, इसलिए फसा का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व जो था वो मनाया जाता था। अब यीशु मसीह जो है पहला कुरंतियों 5 अध्याय जब 7 पद पढ़ेंगे वहां पर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि हमारा जो फसा है वो क्या है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम जो अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ। हमारा फसा कौन, यीशु मसीह जो बलिदान हुआ, जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। ध्यान दीजिएगा फसा का मेमना कब बलिदान होता था, शाम के समय, गोधूली का मतलब होता है शाम के समय जो है वो फसा का मेमना बलिदान हुआ, और यीशु मसीह भी हमारे लिए कब बलिदान हुआ, शाम के समय वो बलिदान हो गए। एक चीज मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसा मैंने कहा कि फसा का जो मेमना था वो शाम के समय बलिदान हुआ, गोधूली के समय, अक्सर गोधूली का समय यानी शाम का समय होता है और लोग ये कहेंगे कि वो तो शाम के समय हुआ और यीशु मसीह जो हुआ तीसरे पहर, यानी 12 बजे के बाद, 12 से 3 बजे तक का जो पहर होता है वो तीसरा पहर कहलाया जाता है। तो यीशु मसीह 3 बजे करीब जो है वो क्रूस पर मर गया। बहुत से लोगों में कंफ्यूजन पैदा होगा, परंतु यहां पर कंफ्यूजन पैदा करने की कोई बात ही नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर से उतार कर कब दफन किया गया, इस चीज को समझना है। वहां पर जो क्रिया हो रही है, जो खत्म होने की, जो दफन होने की क्रिया हो रही है, उस चीज को बड़े अच्छे से समझिए। देखिए आप अगर लूका 23 अध्याय 50 से 56 पद तक पढ़ेंगे, खासतौर से इसमें जो 54 पद है वो पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने वाला था जब उसको क्रूस पर से उतारा गया। जी हाँ, क्योंकि सबत का दिन आरंभ होने वाला था, इसलिए सबत के दिन के आरंभ से पहले, शुरू होने से पहले जो है उसको दफन करना जरूरी था। तो यीशु मसीह शाम के समय जो है वो दफन किया गया,
और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर शाम वाली बात है तो शाम ही गिनी जाएगी, ना कि दोपहर गिनी जाएगी या सुबह गिनी जाएगी कि वो फसा का मेमना तो गौधूली के समय शाम के समय हुआ था, यीशु मसीह तो 3 बजे हुआ, वो कब उतारा गया, कब दफन किया गया, ये सारी क्रिया जो है उसी के अंतर्गत आती है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन आपके जीवन में या आपके दिल दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हम जो आज जो फसा मना रहे हैं या 40 रोजे मना रहे हैं या लैंड्स डे मना रहे हैं, दुख भोग के दिन मना रहे हैं, ये बाइबल से ये सही शिक्षा है बाइबल की या नहीं है? अगर नहीं है तो हम गलत शिक्षा मना रहे हैं। जी हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, अखमीरी रोटी का पर्व, लय व्यवस्था 23:6 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर मैं पदों को पढ़ नहीं रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अखमीरी रोटी का जो पर्व था अबीब महीने की 15वीं दिन से लेकर अबीब महीने की 21वें दिन तक जो है वो अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था, अर्थात अप्रैल 15 तारीख से लेकर अप्रैल 21 तारीख तक जो है वो अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो मनाया जाता था। निर्गमन 13:3-10 तक आप पढ़ लीजिएगा, इसके 4 में लिखा है, अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकाले गए हो, तुम इसी महीने में ये पर्व मनाना। क्यों इसी महीने में मनाना? ताकि तुम इस बात को याद रखो कि तुम्हें परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाला है। अखमीरी रोटी का ये पर्व जो 7 का होता था, अब ये जो है ये 7 का पर्व जो है ये कहां आके नए नियम में आकर मिलता है? पैशन वीक से, यानी जो दुख भोग का सप्ताह होता है ये उससे आके मिलता है। अब कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप पढ़ते रहिएगा। मत्ती 26:17 उसका 17वां और 20वां पद जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि जब अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन करने बैठा, अखमीरी रोटी के पहले दिन अर्थात 15 अप्रैल को। जी हाँ, 15 अप्रैल को जो है वो संडे दिन था। जी हाँ, संडे था। अब लोगों के दिमाग में एक बात और आती है, और वो बात क्या है कि जो पैशन वीक है और अखमीरी रोटी का पर्व जो है ये एक कैसे हो सकते हैं, इनकी डेट एक कैसे हो सकती है? बहुत से लोग जो हैं अपना दिमाग लगाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पैशन वीक और अखमीरी रोटी का पर्व जो है ये इनकी डेटें जो है सेम कैसे हो सकती हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो इब्रू कैलेंडर है वो चांद पर आधारित था। जी हाँ, और मैं अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर क्या है, 2 कैलेंडर हुआ करते थे, कि जो इब्रू कैलेंडर चांद पर आधारित था उसमें जो थे पहला महीना जो धार्मिक कैलेंडर की बात करते हैं तो वो अबीब का महीना अर्थात अप्रैल के महीने से आरंभ होता था। और यदि हम जो है पहले महीने की बात करेंगे तो वो सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता था, सिविल कैलेंडर जिसको कहते थे, वहां से उनके जो सिविल जो भी प्रोग्राम होते थे वो उस कैलेंडर से शुरू होते थे। मगर यहां पर जो है जब हम रोमन की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है जब वो नाम मात्र के लिए 313 एडी में मसीह बन गया तो उसने एक बहुत बड़ी चाल जो थी अपनी सभा में खेली, और वो चाल क्या थी कि रोम जो थे सूर्य देवता के पुजारी थे, उनके यहां सूर्य देवता की पूजा होती थी, और इसलिए उनका जो सिस्टम था वो सोलर कैलेंडर यानी सूर्य के आधार पर उनके सारे काम होते थे, उनके जो कैलेंडर थे वो सूर्य के आधार पर कैलेंडर थे। परंतु यहां पर जो इन्होंने डिसीजन लिया है अपनी सभा में, इन्होंने हिब्रू कैलेंडर के अनुसार यानी चांद के कैलेंडर पर आधारित डिसीजन लिया है, चांद के आधार पर जो डेट होती है उसके आधार पर इन्होंने ये सारा सिस्टम जो है वो किया है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब ये दोनों चीजें कैसे मतलब एक होती है, पहले आप इस बात को देखिए कि सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठा। अब सप्ताह के पहले दिन जब यीशु मसीह जी उठा तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा इंसान मनाता है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का? संडे।
अब जब संडे मनाता है तो आप बैक होइए, जब आप जाएंगे आप इसको बैक लीजिए, संडे को प्रभु यीशु मसीह जी उठा, फिर आया सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे और ट्यूसडे, मंडे और संडे। यानी संडे जो है वो कौन सा दिन हो गया? अखमीरी रोटी के पर्व का दिन हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए पैशन वीक कहां से शुरू हुआ, पैशन वीक प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम भोजन चेलों के साथ किया, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन उसने जो था वो किया। जब अखमीरी रोटी के पहले दिन जो संडे है, अगर वहां से हम पैशन वीक को गिनेंगे तो यीशु मसीह के जी उठने का दिन जो है वो संडे अपने आप निकल कर आएगा। कैसे? पैशन वीक का पहला दिन अखमीरी रोटी का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे यीशु मसीह कब्र में है, और यहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह जी उठा, यानी संडे। तो यहां पर जो है हमें इन सिस्टमों को समझना है। हम ये नहीं कि नहीं साहब पादरी साहब ने क्या कह दिया, ये तो गलत टीचिंग है, और वो कैसे, वो डेट कैसे एक हो सकती है, वो डेट परमेश्वर ने आपको भी बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको भी समझ दी है, तो उन आंकड़ों से आप खुद निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, पुराने नियम में जो अबीब का महीना था वो पहला दिन, जो पहला दिन अगर हम कहेंगे अबीब का महीना, मैंने पहले भी बताया अबीब का महीना कौन सा महीना कहलाता है, अप्रैल का। अब अबीब का जो पहला दिन वो संडे, अब आप संडे से जोड़ते चले जाइए, आपको बिल्कुल फिक्स वैसे ही डेट मिल जाएगी जो यीशु मसीह ने, जिस समय वो पकड़वाया गया, जिस समय वो मारा गया, जिस समय वो जी उठा, उसी पर्व के अंतर्गत सारी चीजें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी परमेश्वर के वचन से, एक एक चीज दिखाई देगी। अब आप संडे से जोड़ लीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर अबीब के महीने का पूरा कैलेंडर है और वो पहला दिन जो है संडे से है और उसमें सारी डेटें हैं, आप उसको देखिएगा कि संडे से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है, और सातवां जो दिन आता है वो सैटरडे का आता है, आठवां दिन जो आता है वो संडे का आता है। इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आपका सारा कंफ्यूजन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को अच्छे से समझें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कैलेंडर कौन सा है। अभी महीने के 14वें तारीख को, यानी गोधूली के समय फसा का मेमना बलिदान किया जाता था, और अभी महीने के 15वें दिन को, वहां पर दिन दिया हुआ, 15वें दिन को क्या अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो आरंभ होता था, अखमीरी रोटी का पर्व, और ये 7 दिन का पर्व होता था। और जब आप 7 दिन को जोड़ेंगे 15 तारीख से, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 21 तारीख तक जो था वो अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो मनाया जाता था। और यहां 7 दिन का पैशन वीक होता है, जब वीक की बात करेंगे, जब हफ्ते की बात करेंगे, तो यीशु मसीह के जीवन में ये पूरा जो पैशन वीक है, यानी अखमीरी रोटी का जो पूरा सप्ताह है, पूरा उसके जीवन में दिखाई देता है। और वैसे ही हुआ, यीशु मसीह पकड़वाया गया और सैटरडे को वो कब्र में था, और संडे को जो है अखमीरी रोटी के पर्व के बाद वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा। वो कौन सा दिन था, वो कैसे जी उठा, यानी संडे को प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो पर्व कौन सा था, ये आने वाले समय में आप वीडियो में देखिएगा। अब हम बात करते हैं पैशन वीक की बात। देखिए पैशन वीक को समझने के लिए आपको अखमीरी रोटी को समझना है, और अखमीरी रोटी को समझने से पहले, अखमीरी रोटी के पर्व के को समझने से पहले हम एक बार फिर से दिन को समझ लें। जी हाँ, मैं फिर से दिन को समझाना चाहता हूं कि अखमीरी रोटी का पर्व कब आरंभ होता है। 14 तारीख के शाम से, यानी 14 तारीख का जो दिन होता है उसकी शाम से जो है वहां से अखमीरी रोटी का पर्व, यानी 15 तारीख जो है वो शुरू होती है, यानी 21 तारीख की शाम तक जो है, 7 दिन का होता है इसलिए 14 तारीख की शाम से लेकर 21 तारीख की शाम तक जो होता है, 21 तारीख की शाम को वो अखमीरी रोटी का पर्व समाप्त हो जाता है, 7 दिन का होता है। तो यहां पर इस ये बात इसलिए बताना जरूरी है ताकि जब आपको पैशन वीक के बारे में बताया जाए तो आपको ये पता चले कि ये घटना किस समय घटित हो रही है,
किस समय जो है फसा का पर्व खाया जा रहा है, किस समय वो जैतून पहाड़ पे गया है, किस समय वो गसमनी बाग में गया है, किस समय वो पकड़वाया गया, ये सारी डिटेल आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर आपको रेफरेंस दूंगा कि आप फिर से रेफरेंस को नोट करिए और इसको पढ़िए कि एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक जो है पूरा एक दिन होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 12 अध्याय उसका 18वां पद और लेव व्यवस्था 23 अध्याय उसका 32 पद। यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बताता है। अब मैं पैशन वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब 15 अप्रैल को क्या क्या हुआ जरा इस पर विचार करेंगे, ध्यान करेंगे। मती 26 और 26 से 30 पढ़ेंगे। प्रभु भोज का नियम ठहराया गया था, भोजन के बाद वो जैतून पहाड़ पर गया और फिर जब आप 26 कही मती 26 का 31 से 35 पढ़ेंगे, पतरस के इंकार करने की भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की। मती 26 का 36 से 46 तक पढ़ेंगे, गतसमनी में सारी रात प्रार्थना में यीशु मसीह ने बिताई। और मती 26 का 47 से 56 तक जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है सुबह के समय गिरफ्तार किया गया। मती 26 का 57 से 68 तक पढ़ेंगे तो अर्ली मॉर्निंग यानी बहुत सुबह सूरज की किरणें नहीं निकली थी मगर सुबह हो चुका था, तो यीशु मसीह जो है महाकायफा महायाजक के सामने पेश किया गया। और मती 26 का 69 से 75 तक आप पढ़ेंगे, पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इंकार किया। मती 27 का 1 से 2 पढ़ेंगे तो उसके बाद जब सुबह हो गई, जब अदालत लगी इसकी पिलातुस की सभा में, पिलातुस की अदालत में यीशु मसीह को जो है वो उस समय लाया गया। फिर लूका 23 और 1 से 7 पद को जब आप पढ़ेंगे तो पिलातुस ने उसको कहां भेजने की आज्ञा दी, हेरोदेश के पास भेजने की आज्ञा दी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आज के समय में जैसे हमारे पास बहुत सी फैसिलिटी है कि हम 100 किलोमीटर की दूरी भी जो है 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे में पूरी कर लेते हैं, चाहे ट्रेन से या बस से, गाड़ी से 2-3 घंटे लगते हैं, परंतु हवाई जहाज से जो है कई 100 किलोमीटर की दूरी भी हम 1-2 घंटे में तय कर लेते हैं। परंतु उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जाने में पूरा समय लग जाता था क्योंकि घोड़ा सवारी होती थी या रथ होते थे जिसके द्वारा वहां पहुंचा जाता था। और ये नहीं है कि राजा बैठा हुआ, हाँ वो आ रहा है वो आ रहा है, जब वो आएगा तब मैं आऊंगा। राजा लोग थे, पूरा शासन चलाते थे, उनको और भी बहुत से काम होते थे। मैं इस बात इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। 16 अप्रैल मंडे को हेरोदेश के पास जो है वो गया। फिर है लूका 23 और उसका 8 से 12 पद पढ़ेंगे, यानी 17 अप्रैल को मंगलवार था, मंगलवार को जो है वो हेरोदेश राजा के सामने पेश हुआ। फिर है लूका 23 और उसका 11वां पद पढ़ेंगे तो 18 अप्रैल को वेनसडे वाले दिन यानी बुधवार वाले दिन जो है हेरोदेस के पास से वापस वो पिलातुस के पास आता है। अब ध्यान दीजिएगा, लूका 23:13-35 जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो है थर्सडे है यानी 19 अप्रैल को। अब 19 अप्रैल को होता क्या है, 19 अप्रैल को पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस ने 19 अप्रैल में उसके बचाव की क्रिया कहा कि वो उसके अंदर कोई दोष नहीं पाता था, उसको बचाना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, यीशु को छोड़ दूं या बरब्बा डाकू को छोड़ दूं। ये बात उसने इसलिए करी क्योंकि बरब्बा बहुत खूंखार डाकू था और लोगों में उसका बहुत भय था। उसने सोचा कि उन लोग कहेंगे कि नहीं यीशु को छोड़ दो, क्योंकि यीशु को वो छुड़वाना चाहता था, उसके अंदर कोई दोष उसने नहीं पाया था, परंतु लोगों ने बरब्बा को छुड़वाने की अपील करी। उसके बाद उसने कहा चलो मैं इसको 39 कोड़े मरवा देता हूं तो शायद ये दया करके उसको छोड़ दे। उसने 39 कोड़े भी लगाए परंतु जब लोग नहीं माने तो उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी, क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया, ये थर्सडे वाले दिन है। और फिर 20 अप्रैल को फ्राइडे वाले दिन जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कलवरी पहाड़ पर ले गए और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और वो क्रूस पर मर गया और उसके बाद उसे दफन कर दिया गया। 21 अप्रैल जो सैटरडे है वहां पर उस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह कब्र में है और उसकी बॉडी जो है वो कब्र में रखी हुई है। और जब आप मती 28 का 1, मरकुस 16 का 1 से 2, लूका
24 का 1-2, यूहन्ना 20 का 1 पढ़ेंगे तो 22 अप्रैल को संडे वाले दिन जो है, यानी सप्ताह का प्रथम दिन जो है, यीशु मसीह जी उठा, यानी संडे। यह है पैशन वीक पूरा। कौन सा पैशन वीक है, किस तरीके से है? ये वो पैशन वीक है जो फसा का और अखमीरी रोटी के पर्व के समय स्टार्ट होता है। इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला और यीशु मसीह ने इस फसा के पूरे सप्ताह को इसलिए अपने जीवन में पूरा करा, जैसे इसराइली इस बात के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बात को ध्यान में रखना कि ये पर्व इसलिए मनाना क्योंकि तुम मिस्र की गुलामी से निकाले गए हो। और यीशु मसीह ने उसी सारी प्रक्रिया को अपने जीवन में, फसा की और अखमीरी रोटी की उस क्रिया को इसलिए पूरा करा ताकि हम सब इस बात को जान ले कि हम लोग भी गुलामी में से निकाले गए हैं, हमें भी गुलामी में से छुटकारा दिया गया है। अब किसकी गुलामी में से? पाप की गुलामी में से। जी हां, पाप की गुलामी में से यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। इसलिए ये जो पैशन वीक है, ये उसी सप्ताह में, यानी फसा जब मनाया गया, अखमीरी रोटी का पर्व मनाया गया, तभी ये पूरा किया गया है। अब आप समझे तो इसकी डेट जो है वो बिल्कुल फिक्स है। आप उसको बाइबल के आधार पर आप उसको बदल नहीं सकते हैं। किसी की भी मृत्यु की या किसी के भी जन्म की डेट जो है वो फिक्स होती है। ये नहीं है कि अगर मैं आज मरा हूं तो आप जो है किसी भी डेट में जो है, या किसी भी महीने की डेट में आप मेरे मरने का दिन मना लोगे, या मैं 2 फरवरी को मैं पैदा हुआ हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर 2 तारीख को आप मेरा जन्मदिन मना लेंगे, या किसी भी वर्ष की किसी भी 2 तारीख को आप मेरा जन्मदिन मना लेंगे। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मनाएंगे, या जिस दिन आपका कोई प्रियजन मरा है उसी दिन आप उसको उसकी वर्षी पर याद करेंगे, ना कि किसी और डेट पर कि इस दिन ये मरा था। तो यहां पर जो है ये शिक्षा जो है ये गलत शिक्षा है, और ये शिक्षा कहां से आई हमें नहीं पता, हमारे बीच में कैसे आई हमें नहीं पता। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को समझें कि ये गलत शिक्षा हमारे जीवन में प्रवेश करके हमें हमारे परमेश्वर की सच्चाइयों से, हमें हमारे परमेश्वर के राज से, और हमें हमारे परमेश्वर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह से दूर करती है और दूर ले जाती है, और स्वर्ग का नहीं नरक का भागीदार बनाती है। इसलिए हम मनुष्यों के आधार, मनुष्यों की शिक्षाओं पर और मनुष्यों के नियम पर अपने जीवन को ना लगाएं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के नियम पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर अपने जीवन को लगाएं, और उसी के परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिए ताकि परमेश्वर के राज के वारिशों और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके और परमेश्वर की मोहर अपने माथे पर ले सके ताकि उन सारे कलेशों से बच सके। अभी लेंट्स डे का बारे में कहानी खत्म नहीं हुई है, ये इसका पहला भाग है। अभी इसके दूसरे भाग में भी देखेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।